okay, Jonty, I will suggest you that please give us feedback that how was our courses, what it was really helpful for you, और ये सारी की सारी चीजें प्लीज टेल आवर व्यूअर्स दैट हाउ वाज आवर क्रैश कोर्स हेल्पफुल फॉर यू. सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज पहले ही मैंने मतलब फ्रैंक में ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ फायदा तो हुआ नहीं. जब मैंने यूट्यूब यूट्यूब सर्च कर रही थी आज से 8 months पहले, तो तब मुझे आपका वीडियो मिला, तब देखा, फिर मुझे लगा कि जब फ्रैंक से कोर्स किया और होटल में उन लोगों ने प्लेसमेंट दिया तो मैं तो होप ही छोड़ दी कि मैं LM ज्वाइन करूँगी. फिर भी मैं डिग्री कम्प्लीट किया, फिर ऐसे यूट्यूब जब मैं देख रही थी तब आपका वीडियो आया, फिर मैंने 2 months देखा, देखते देखते फिर तब मैं ग्रेजुएशन भी कर रही थी तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे लगा था कि ग्राउंड स्टाफ में सिर्फ ग्रेजुएट को ग्रेजुएट वाले को हायर करते हैं, तो मैंने फिर ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने तक वेट किया. मैंने फिर कंप्यूटर का कोर्स भी किया उसी बीच में, तो जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ फिर मैंने आपको मतलब मैसेज किया कि सर मुझे कोर्स क्रैश को ज्वाइन करना है, तो ऐसे ऐसे कोर्स ज्वाइन किया. और जैसे मैंने कोर्स ज्वाइन किया फिर मुझे पता चला कि क्या गलती नहीं करनी है, क्या मेरे में कमियां है और मतलब कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है वही सब, तो मेरे तो बहुत हेल्पफुल था. और मैं दूसरों को बोलूंगी वो भी क्रैश ज्वाइन करे, और मैंने ऑलरेडी मेरी फ्रेंड को बोल दिया कि तुम भी ज्वाइन करो, तुम्हारी एज जा रही है तो ज्वाइन करो जल्दी से अगर तुम्हें LM में ज्वाइन करना है. और मैंने उसको बोला कि मुझे तो अभी नहीं मिली है क्योंकि मुझे कोर्स खत्म होने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है, तो मेरी सजेशन है कि मुझे कोर्स करके अच्छा लगा तो तुम भी ज्वाइन करो, तो लेट ना हो जाए. है ना, तो जॉन्डी तुम जो है अभी जैसे अभी इंटरव्यू हो रहे हैं सिलचर के गुवाहाटी के, वहां पे इंटरव्यू दो और टाइम बहुत सही है, तुमने कोर्स खत्म किया है और CV तुम्हें मिल गई है और इंटरव्यू भी आ गया है, तो ऐसा मतलब मौका बनता नहीं है यार, है ना, वैसा माहौल बन गया है कि तुम इसने कोर्स खत्म कर लिया इंटरव्यू भी आ गया, देन गो फॉर इट यार, सिंपल सा सीन है और तुम आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, डोंट वरी ना. बस तुम्हें जो जो तुम्हें बोला है उसमें याद करेंगे उसे याद करो, बाकी जो तुम्हें बताया कि यहाँ पे कमियां हैं उसे फुलफिल करो, देन यू विल बी इजीली गेट सिलेक्टेड, नो वन कैन स्टॉप यू. ओके जॉन टी, ऑल द बेस्ट, ना ऑल द बेस्ट.